हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनटीएससी की प्रिपरेशन के पहले लेक्चर में। आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मेंटल एबिलिटी। आज के दिन दो लेक्चर हैं, दोनों ही देखना मत भूलिएगा। एक लेक्चर मेंटल एबिलिटी का और एक लेक्चर मैथ्स का है। 40 डेज और बिल्कुल स्टेज वन अपन को निकालना ही निकालना है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मेंटल एबिलिटी के सबसे बेसिक टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के अंदर क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दे रखा होगा और आपको उसका पैटर्न ऑब्जर्व करना है। उसका पैटर्न ऑब्जर्व करके मिसिंग नंबर बताना है। जैसे सबसे लल्लू अगर मैं पैटर्न आपसे बोलूं 1 2 3, बताओ अगला नंबर क्या होगा, तो क्लियरली ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल नंबर एक के बाद एक लिखे गए, तो अगला नंबर सर 4 होगा। मान लो एक और मैं बोलूं 1 4 9 16, अगला नंबर बताओ, तो आप बोलोगे ऐसा लगता है जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर लिखा गया है, तो अगला नंबर पक्का 5 स्क्वायर That is 25 होगा। मान लो मैं आपको बोलूं 2 5 8 11 14, अब आप बोलोगे हो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है 3 × 1 − 1, 3 1 3 − 1 2, 3 2 6 − 1 5, 3 3 9 − 1 8, 3 4 12 − 1 11, 3 5 15 − 1 14, तो 3 6 18 − 1 17। तो ऐसे आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया गया होगा और उस सीक्वेंस ऑफ नंबर में अपन को पैटर्न फॉलो करना होगा, पैटर्न स्टडी करना होगा और पैटर्न पता लगाना होगा। आज हम करेंगे इसी क्लास में 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और मैं उनको करके बताऊंगा। आज अपन नंबर सीरीज में 100 अलग अलग सवाल लगाएंगे, 100 अलग अलग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कितने हमारे सही होते हैं कितने गलत। मैं यहां पर सवाल लाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। आप उसको वीडियो पॉज करके खुद से करिएगा, ये वीडियो तो कंटिन्यूअस है, आप वीडियो पॉज करके करिएगा। तो ये नंबर सीरीज की बेसिक थ्योरी मैंने बता दी कि नंबर सीरीज के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है और आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न एंड गेस आइदर द मिसिंग नंबर इन द बिटवीन और द लास्ट नंबर, जो भी मिसिंग नंबर हो सकता है, बीच में कोई मिसिंग नंबर हो सकता है, लास्ट में कोई मिसिंग नंबर हो, उसको अपन को गेस करना है। ठीक है, आइए मिलजुल के सवाल लगाते हैं। ये 100 सवाल मैंने चुने हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले साल के हैं, पिछले साल इसमें आए हुए क्वेश्चन हैं एनटीएससी के, ताकि अपन उनके पैटर्न को देख पाएं और उनकी सोच को पकड़ पाएं किस प्रकार सोचना है। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत की जाए, लेट अस बिगिन विद सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल आपके लिए डाटा बिल्कुल रेडी है। यस, पहला सवाल बड़ा सा स्क्रीन पर, 4 9 16 25। आपको जब भी अटेम्प्ट करना हो, मैं यहां 100 सवाल एक एक करके करूंगा नंबर पैटर्न पर, नंबर सीरीज पर, और मैं चाहूंगा कि आप उसे सीखें। अच्छा ये भी सोच सकते हैं, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, ताकि 100 डिफरेंट पैटर्न हमारे दिमाग में आए। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मैं यहां दिखाऊं, अगर आपको उसको अटेम्प्ट करना है तो वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन सुनिए। मैं तो खैर वीडियो में लगातार ही कर रहा हूं। ओके चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके 4 9 16 25, अरे यार ये तो दिख गया डायरेक्ट, नहीं मतलब मुझे दिख रहा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो नेक्स्ट नंबर 6 स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा दिल्ली। पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। अगला सवाल, यस अगला सवाल में लिखा हुआ है 4 9 19 34 54 4 9 19 34 54, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें मेरे साथ, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। देखो यहां पर क्या है,
बहुत बार ऐसा होता है जैसे आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, अरे कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा, तो नंबर्स को आपस में घटा के देखो, 4, 4, 9, 19, 34, 54, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नंबर्स को आपस में घटा के देखो, 9 में से 4 गए 5, 19 में से 9 गए 10, 34 में से 19 गए तो 19 अभी 15, 20, उत्तरी 5, 10, 15 और 20, ये तो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये दो चीजें आती होंगी, नहीं भी आती तो भी मैं बताने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, बार बार एक ही नंबर जोड़ के बनती है, इसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। जैसे पहला नंबर ए है तो इसमें कोई नंबर डी जोड़ दो तो अगला नंबर ए प्लस डी, फिर डी जोड़ दो अगला नंबर ए प्लस टू डी, फिर डी जोड़ दो अगला नंबर ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ए कहलाता है फर्स्ट टर्म, और ये जो डी जो बार बार आप जोड़ रहे हो आगे वाले नंबर बनाने के लिए, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यू समझ दो, इसमें से इसको घटाओ तो भी डी, इसमें से इसको घटाओ तो भी डी, इसमें से इसको घटाओ तो भी डी, किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाओ तो क्या मिल रहा है, डी, कॉमन डिफरेंस। इस प्रकार की सीरीज कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये सीरीज खुद कुछ भी नहीं है, ये सीरीज ना एपी है ना जीपी, कुछ नहीं है, लेकिन इसके टर्मों का डिफरेंस एपी जरूर आ रहा है। 5 में 5 जोड़ो फिर 5 जोड़ो फिर 5 जोड़ो एपी। अगर जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस आ जाए नंबर का, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नंबरों को आपस में घटा के देखो। अच्छा एक और चीज बच गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी, बार बार एक ही नंबर को जोड़ के जो आपकी सीक्वेंस बनती है उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा लॉजिकल सीक्वेंस जिसकी प्रोग्रेस आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, खुद से पता लगा सकते हो। अगर ऐसा लॉजिकली नंबर लिखे गए हैं जिनका प्रोग्रेस आप बताओ, हाँ अगला नंबर ये इसके बाद ऐसे प्रोग्रेस करेगा, तो वो कहलाता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज प्रोग्रेस कैन बी लॉजिकली और मैथमेटिकली फाइंड आउट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोग्रेशन। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बार बार एक ही नंबर जोड़ के, है ना, इसके करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और होती है मेरे प्यारे बच्चों, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिलहाल ये दो हमारे काम की हैं, प्रोग्रेशन तो बहुत सारी होती है। जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है एक ही नंबर को बार बार जोड़ के, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करके। जैसे पहला नंबर ए आर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन, ये बन गई जीपी। इसमें एक कहलाता है इसका फर्स्ट टर्म, और आर आपकी बार कहलाता है कॉमन रेशियो। यहां पर कहलाता था कॉमन डिफरेंस, क्योंकि आगे वाले में से पीछे वाला घटाओ डी, आगे वाले में से पीछे वाला घटाओ डी, और यहां कॉमन रेशियो कहलाता है क्योंकि आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला आर, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला आर, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला आर, आगे वाला डिवाइड बाय पीछे वाला आर। ये दो बहुत कॉमन चीज है जो हमको ऑब्जर्व होनी चाहिए और यहां फैट होनी चाहिए कि भैया बार बार एक ही नंबर जोड़ के एपी, बार बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके जीपी। एग्जाम्पल खुद से आप लिख सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, मैं जो है ना इतना इतने एज के बाद ये सब सीख रहा हूं, आप लोग 10th क्लास में ही सीख रहे हैं, अच्छा खैर चलिए। तो ये बन गई हो तेरी, यानी एक बात लॉजिकली आज गुरु जी ने बताई जो हमको नोट कर लेनी चाहिए, कॉपी में नोट कर ले। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टर्म्स में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो उनके टर्म्स को आपस में घटा के देखेंगे, तो यहां घटाया तो यानी भैया 5, 10 यानी एपी जोड़ जोड़ के बन रही है, तो 54 के बाद वाला टर्म कैसे आएगा, 25 जोड़कर, तो 54 प्लस 25, 5, 4, 9, अब मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं,
5 6 7 79 ऑप्शन दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस 1 4 9 60. अरे तो वापस दिख गया मुझे. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर. तो ऑप्शन हमारे पास निकल के आएगा बॉम्बे. ये स्क्वायर की सीरीज 2 की मल्टीपल 3 की मल्टीपल ये सब खटाखट दिखना चाहिए. अगला क्वेश्चन. तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबरिंग करते हैं, पिछले वाले पर भी नंबरिंग कर दें. ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन. चलिए ये हो गया थर्ड. अगला ये फोर्थ क्वेश्चन. यस 4 11 क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 4 11 7 14 10 17. यार 4 11 7 14 10 17 मतलब बिल्कुल दिमाग की दही हुई जा रही है. लेकिन अब देखिए ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो आप इन नए नए पैंतरों को सीखिए. जैसे कभी कभी क्या होता है भाई, एक तो मैंने आपको पैंतरा बताया पिछले टर्न पे, एक और देखो मतलब पिछले क्वेश्चन में एक और देखो. अगर पूरा नंबर पूरी सीरीज एक साथ ना दिखे तो कभी कभी उनके ऑल्टरनेट नंबर्स को देखो. यहां पर ऑल्टरनेट नंबर्स को देखिए 4 11 7 14 10 17. देखो ये अपने आप में एपी है, 3 3 जोड़ के बन रही है 4 3 7 3 10. ये भी अपने आप में एपी है और 3 3 जोड़ के बन रही है. यानी इस बार इन लोगों ने 2 अलग प्रोग्रेशन को मर्ज कर दिया है. इसका पहला टर्म, फिर इसका पहला टर्म, फिर इसका दूसरा टर्म, फिर इसका दूसरा टर्म, फिर इसका तीसरा टर्म, फिर इसका तीसरा टर्म, एंड सो ऑन. तो अगर ऑल्टरनेट हम ऑब्जर्व करें, रंग बदल लेते हैं, ऑल्टरनेट ऑब्जर्व करें तो ये अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये अपने आप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. तो यहां पर इस बार नहीं, देखो यही मेंटल एबिलिटी है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखकर ये सोचना कि ये बनी कैसे होगी, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखकर ये सोचना कि ये बनी कैसी होगी. ओके तो भाई गुरुजी आंसर तो आ गया. तो 10 में 3 और जोड़ दो 13 बॉम्बे. पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है. अगला क्वेश्चन. पांचवा सवाल. यस 5 15 25. ये तो डायरेक्ट एपी दिख रही है मुझे, मुझे डायरेक्ट एपी दिख रही है. 5 में 10 जोड़ो 15 15 में 10 जोड़ो 25 तो 25 में 10 जोड़ो 35 कैलकटा. अगला क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन 2 5 8 11 2 5 8 11 14. एपी 2 में 3 जोड़ो 5 5 में 3 जोड़ो 8 8 में 3 जोड़ो 11 11 में 3 जोड़ो 14 14 में 3 जोड़ो 17 बॉम्बे. अब जैसे हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑब्जर्व करना आ गया है, अब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ लिए तो हमको जोड़ना भी इजी है कि अरे यार इनमें तो ये तो एपी दिख रही है, लगातार 3 3 का ही डिफरेंस है. अगला क्वेश्चन. यस 7 1 6 13 कैसे करेंगे 1 6 13. अच्छा 1 6 13 22 33.
मैं क्या सोच रहा हूं, ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा, और नंबर्स का डिफरेंस लेके देखिए, तो 6 में से 1 गए 5, 13 में से 6 गए 7, 22 में से 13 गए 9, और 33 में 20 11 उत्तरी। ये एपी है, 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये सीरीज खुद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके टर्मों का डिफरेंस एपी में है। ये सीरीज खुद तो कुछ भी नहीं है लेकिन इसके टर्मों का डिफरेंस एपी में है, तो यानी इसके बाद का टर्म 33 में 13 जोड़ के आएगा, तो 33 में 13 जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 और 1 4 46। अरे वाह, कैलकटा, जितने अपन पैंतरे सीख रहे हैं सारे पैंतरों पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, आठवां, 3 फिर 15 फिर 35, कैसे, क्या सोचें, क्या सोचें। तीन, 15 35 63 99, आओ सोचना पड़ेगा, मजबूरी है, सोचना पड़ेगा। चलो यहां पर बेटा ऑब्जर्व करो, ये जैसे 3 15 3 जो है 2 स्क्वायर से कम है, यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें 3 15 35 63 99, इसको देखो 2 स्क्वायर माइनस 1, और इसको देखो 4 स्क्वायर माइनस 1, और इसको देखो 6 स्क्वायर माइनस 1, और इसको देखो 8 स्क्वायर माइनस 1, और इसको देखो 10 स्क्वायर माइनस 1। ये सीरीज कैसी दिख रही है, इवन नंबर का होल स्क्वायर माइनस 1, इवन नंबर का होल स्क्वायर माइनस 1, इवन नंबर का होल स्क्वायर माइनस 1, इवन नंबर का होल स्क्वायर माइनस। देखो जैसे आपको कुछ समझ में ना आए तो नंबरों को आपस में घटा के देखो तो फायदा नहीं दिख रहा, उनमें प्लस वन या माइनस वन करके देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। ये बहुत कॉमन पैटर्न है, परफेक्ट स्क्वायर में प्लस वन कर देना, परफेक्ट स्क्वायर में माइनस वन कर देना, तो यहां पर इवन नंबर का होल स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, तो 99 के बाद 10 स्क्वायर माइनस वन के बाद अगला नंबर होगा 12 स्क्वायर माइनस वन, 144 माइनस वन 143। शुरू के 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर रट लीजिए, शुरू के 30 नेचुरल नंबर के अगर एनटीएससी निकालना है तो क्वेश्चन देखते ही स्क्वायर दिखना चाहिए, तो शुरू के 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर रट लीजिए, तो 143। सो आंसर इज बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, यस, 8 के बाद 9 3 6 15, उसके बाद बीच में छोड़कर कुछ आ रहा है, क्या करें, 3 6, क्या करें, 3 6 15। चल देखते हैं 3, जब कुछ भी ना समझ में आए तो मैं हमेशा एक काम करता हूं, जो नंबर्स गिवन है उनका डिफरेंस लेके देखो, आमतौर पर नंबर्स का डिफरेंस लेना काम करता ही करता है। चलिए देखते हैं 3 6 15, अननोन नंबर 123 366, या इनका डिफरेंस आ रहा है 3, इनका डिफरेंस आ रहा है 9, इनका डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा 366 123 342 243। यार ये 243 देखकर ना मन में विचार आ रहा है, कैसा विचार आ रहा है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, और 81 × 3 is 243, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81, सही है, 1 2 3 4 5, अरे यानी ये 3 की पावर 5 है,
उत्तरी कुछ ऑब्जर्व हुआ मुझे, पहला डिफरेंस 3 की पावर 1, दूसरा डिफरेंस 3 का स्क्वायर, तो अगर तीसरा डिफरेंस 3 का क्यूब हो और चौथा डिफरेंस 3 की पावर 4 हो तो पांचवा डिफरेंस 3 की पावर 5 हो जाएगा। यानी यहां पर जो टर्मों का डिफरेंस है वो एपी नहीं बनाता, जीपी बनाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ये जीपी है, कैसे, फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ये सबसे कॉमन चीज है जो अक्सर आती है कि डिफरेंस ऑफ टर्म, जो नंबर सीरीज आपको दी गई है उसका डिफरेंस एपी आ जाए या उसका डिफरेंस जीपी आ जाए। तो यहां डिफरेंस क्या आ रहा है, जीपी आ रहा है। तो 15 में 27 जोड़ देंगे, तो 15 में 27 जोड़ देंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 42। सो आंसर इज कैलकटा। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, 9 के बाद 10, 11, चलिए ये हमारा 10वां क्वेश्चन। एटी 64 48 32 16, सोचो इसके बारे में, सोचो 80 64 48 32 16। यार इस बार जो टर्म्स है ना वो इंक्रीज नहीं कर रहे बल्कि टर्म्स डिक्रीज कर रहे हैं। 80 64 48, आप ऑब्जर्व करें, 80 64 48 32 16। तो अगर यहां घटाऊं 32 में से 16 तो 16 बचेगा, 48 में 16 उत्तरी। यानी ये सीरीज कैसे बन रही है, ये भी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, बार बार 16 घटा घटा कर, ये यू कहो बार बार -16 जोड़ जोड़ कर। तो भैया 16 के बाद जो अगला टर्म आएगा अब की बार 16 घटाओगे तो 0। तो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 के बाद 11वां सवाल, यस आइए बात करते हैं, 1, 9, 17, 33, 49, 73, आइए सीरीज का डिफरेंस लेके देखें। तो हमारे पास जो सीरीज गिवन है 1, 9, 17, 33, 49 और 73, चलो देखते हैं, 9 में से 1 गए 8, 17 में से 9 गए 8, फिर 33 में से 17 गए, तो 17, 18, 19, 20, 16 और 33, 49, तो 7, 9, 16। अच्छा इन दो का डिफरेंस 8, 8, इन दो का डिफरेंस 16, 16, फिर 73, 49, 50, तो 24। वाह इस बार चालाकी की गई है, डिफरेंस दो दो करके सेम आ रहा है, यानी डिफरेंस 8, 8, फिर डिफरेंस 16, 16, तो डिफरेंस अब 24, 24 आना चाहिए, तो 73 में 24 अगर जोड़ दें तो 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 है कोई 90 आगरा। क्वेश्चन नंबर तो डाला ही नहीं, 11। आइए अगला क्वेश्चन देखें, 12वां क्वेश्चन, जो कि इसमें नंबरिंग गड़बड़ है, खैर चलिए आइए 12वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। यस -1, 0, 3, 8, मैं तो सोच रहा हूं नंबर का डिफरेंस लेके देखते हैं। देखो -1, 0, 3, 8, 1 जोड़ दो, फिर यहां पर 3 जोड़ दो, फिर यहां पर 5 जोड़ दो, अरे तेरी ये खुद क्या है एपी, 1, 3, 5, तब क्या आएगा 7 जोड़ दो, तो 7, 14, 15 आना चाहिए दिल्ली, कॉपी करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 के बाद 13वां सवाल, जो कि इसमें शायद 14वां, यस नंबर गड़बड़ है। हाँ यस इस सीरीज को देखें, 13वां क्वेश्चन, अरे रे अभी अभी मैंने आपसे बोला कि शुरू के 30 नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर रख लीजिए,
क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं होगा तो आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ दिखा, कुछ दिखा यहां पर? ये जो 121 है ये 11 स्क्वायर है, ये जो 225 है ये 15 स्क्वायर है, और जो 361 है ये 19 स्क्वायर है। यानी 11 में 4 जोड़कर उसका स्क्वायर, फिर 15 में 4 जोड़कर उसका स्क्वायर, 11 में 4 जोड़कर उसका स्क्वायर, 15 में 4 जोड़कर उसका स्क्वायर। तो जो अगला जो टर्म होगा 19 में 4 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा? 529। तो आंसर आ जाएगा कैलकाटा। शुरू देखो, अगर आपको मान लो स्क्वायर ही याद नहीं होते तो आप इन नंबरों को देखकर पता नहीं क्या सोच रहे होते, लेकिन 121 अरे तो 11 का स्क्वायर होता है, अरे 225 अरे तो 15 का स्क्वायर होता है, अरे 361 ये तो 19 का स्क्वायर होता है। तो अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो ऑब्जर्व होगा, याद होगा तो ऑब्जर्व भी होगा। कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सवालों को देखें। यस, हाँ, 13 के बाद 14, 981, 90, 810, 819। अरे ये तो 9 के नहीं देख रहे, 9 के फैक्टर टाइप, जैसे 981, 90, 810, 819। यहां पर देखो, ऑब्जर्व करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसमें 9 जोड़ा गया, फिर यहां जो आया इसको 9 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसमें 9 जोड़ा। ध्यान देखिए, 9 का चक्कर तो दिख ही रहा है, लेकिन 9 का चक्कर कैसा है? भयंकर घन चक्कर करने वाला। इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9, यानी अगला नंबर बनेगा इसको इंटू 9 करने से। तो 819 इंटू 9, 9 9 81, 9 1 9 817, और 8 9 72 73। क्या है कोई? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई। यस, हाँ भाई, आइए इस क्वेश्चन को देखें। 14 के बाद पिछला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 14, तब आ जाएगा 15। वापिस सीरीज को ऑब्जर्व करें, 5 3 6 2 7 1, 5 3 6 2 7 1। अच्छा यार, यहां पर भी ऐसा लग रहा है ऑल्टरनेटिंग सीरीज का प्रपंच है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब जो ऑल्टरनेटिंग नंबर्स हैं वो अलग अलग सीरीज को बिलोंग करते हैं, ऑल्टरनेटिंग नंबर्स हैं वो अलग अलग सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो 5 3 6 2 7 1, देखो इसमें नंबर्स प्लस वन करके बन रहे हैं, इसमें नंबर्स माइनस वन करके बन रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज यानी ऑल्टरनेट नंबर्स आर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सीरीज। सो अब हमारे पास, यानी यहां पर अगर हम बात करें रंग बदल के, तो 5 6 7 भैया 8, क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेंगे। हल्का सा अपन ने वार्म अप कर लिया है, अब अपन प्रीवियस, ये सारे क्वेश्चन जनरल थे, ऑल्टरनेटिंग सीरीज, एपी जीपी, बेसिक बात बता दी, अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेंगे। ध्यान से देखें। चलो, अब अपन लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, अब हम उनको लेंगे यहां पर। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। 15 तक अपन लोगों की गाड़ी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 15 के आगे 100 सवाल करना है अपन को। 15 के आगे अगर अपन बात करें तो 16 17 18 19 20। चलिए एक एक अपन सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन मिजोरम 2012-13 में आया था, प्री आरएमओ में, एनटीएससी में, सॉरी एनटीएससी में। तो आइए बात करते हैं 5 9 16 29 54। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। 5 9, आओ 16वें क्वेश्चन की बात करें। 5 9 16 29 54 103। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वीडियो पॉज कर दीजिए,
क्योंकि मैं यहां पर फिर डिस्कस करूंगा और फिर अटेम्प्ट करके फिर सॉल्यूशन को देखिए. ओके 5 9 16 29 54 103. ओ नो भाई साहब, गुरु जी क्या चल रहा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे 5 × 2 10 − 1, फिर 9 16 9 से 16 16 2 32. एक सीरीज ऑब्जर्व हो रही है, जैसे पिछले नंबर को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें और −1 कर दें. 5 × 2 = 10 10 में से 1 = 9. फिर पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके −2 कर दें. 9 × 2 = 18 18 में से 2 = 16. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके −3 कर दें. 16 × 2 = 32 32 में से 3 = 29. फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके −3 कर दें तो 29 × 2 = 30 होता तो 60 आता और 2 कमाएगा तो 58 58 और −4 क्योंकि घटने वाली चीज बढ़ रही है. और इसको अगर × 2 करके −5 करें 54 × 2 = 108 108 − 5 = 103. तो अगला नंबर होगा 103 × 2 − 6 तो ये हो जाएगा 206 − 6 which is 200. सो वी विल टेक द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली. पहले वाले करेक्ट आंसर दिल्ली आ गया. आइए दूसरे वाले को ऑब्जर्व करें. दो सारी सीरीज अपन यही करेंगे. दूसरे वाले को अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं, ये हो गया 16वां क्वेश्चन, यही छोटा छोटा करना पड़ेगा. 17वां क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ऊपर सरका सकते हैं. चलिए ऊपर सरका लेते हैं. 16वां डन हो चुका है. 17वां क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अरे ये तो कुछ ऑब्जर्व हो रहा है. 4 5 7 10 11 13 16 1 5 6 7 2 3 फिर 1 2 3. अरे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 3. फिर इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 3. फिर अब डिफरेंस 1. तो यहां पर डिफरेंस 1 2 3 1 2 3 करके रिपीट कर रहा है. तो 16 और 1 17 17 तो है ही नहीं उसमें. एक बार रुक जाओ. 4 1 2 3 फिर 1 2 3 3 जोड़ा तो 1 आना चाहिए. 17 क्वेश्चन प्रिंटिंग एरर है कहीं ना कहीं. तो यू ऑब्जर्व के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 17. अगर ऑब्जर्व के हिसाब से देखें बिल्कुल इसमें प्रिंटिंग एरर है. ओके 17 का आंसर 17 बहुत सही. 18 पर आ जाएं. 18वां क्वेश्चन आइए 18th क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें. 2 5 10 17 बीच का नंबर 2 5 10 17 गायब 37 50. 2 5 10 17 37 2 5 और 10 और 17. इसको अगर अपन देखें ध्यान से तो यहां पर अपन 2 5 10 17. आइए जब कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस लेके देखें. 5 और 2 3 10 और 5 7 और 50 और 37 37 38 39 40 13. अरे तेरी, ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस जो है वो एपी बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है. या 3 का डिफरेंस या 5 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस फिर 9 का डिफरेंस फिर 11 का डिफरेंस और फिर 13 का डिफरेंस. तो अगला नंबर 17 + 9 होगा. 17 + 9 9 1 10 16 26. तो आइए टिक करें देखें 18वें के 26 आ रहा है. यस 19. आइए 19 की बात करते हैं, यही कर लेते हैं 19वें की बात. 19वें में क्या दे रखा है? 3 9 17 27 छोटी सीरीज दे रखी है. 3 9 फिर एक 17 जरूर आ गया, 27 और गायब. 9 और 3 6 फिर 17 में से 9 गए तो 9 10 8 फिर 10. और तेरी ये डिफरेंस तो एपी में दिख रही है 6 8 10 तो उसके बाद आएगा 12. तो अगला नंबर 27 + 12 आ जाएगा तो 7 8 9 और 2 और 1 3. तो अगला नंबर आएगा 39. बिल्कुल सही बिल्कुल सही. अगला नंबर आ गया 39.
मिजोरम में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो 47, 53, 59 मिसिंग 67, 71। तो 47, 53 और जब भी कुछ ना समझ में आए तो अपन डिफरेंस लेके देखते हैं, उससे हमारा काम बनता है। तो 47, 53, 6 का डिफरेंस है, फिर 53, 59 फिर 6 का डिफरेंस है, 67 है ना, 47, 53, 59, 59 और मिसिंग 67 और 71। तो 47 में 6 का डिफरेंस, सही कह रहा हूं मैं, फिर 6 का डिफरेंस, यहां 6 6 का डिफरेंस है और यहां डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहां 6 6 का डिफरेंस है। तो ये तीन नंबर आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे 6 6 का, तो ये तीन नंबर आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे 4 4 का। तो यहां जो नंबर आएगा वो 67 में से 4 घटा कर आएगा, 67 में से अगर 4 घटा ले तो 7 में से 4 गए 63। बहुत सही, और आ गया बॉम्बे, वेरी गुड। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस देखिए सर बच्चे, चलिए आइए इन क्वेश्चन को देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन को करने हैं। तो 20 तक हमारी गाड़ी ऑलरेडी पहुंच चुकी है और अब हम आ गए हैं 21, 22, 23, 24 और 25। इन पांच क्वेश्चनों में ऑड मैन आउट ढूंढना है। ऑड मैन आउट का मतलब है कि इसमें सीक्वेंस में कहीं पर कोई जो है मिसिंग टर्म नहीं है, लेकिन ये जो सीक्वेंस लिखी गई है इसमें कोई एक टर्म गलत है। राजस्थान 2012-13 एनटीएससी, ध्यान देना आप, मैक्सिमम बच्चे राजस्थान के ही है। अच्छा चलिए, तो इसके अंदर जो है राजस्थान 2012-13 में क्वेश्चन आया था, इसके अंदर ऑड मैन आउट ढूंढना है, गलत टर्म ढूंढना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और गलत टर्म ढूंढना है। चलो पैटर्न को ऑब्जर्व करें, पहले 21वें क्वेश्चन से आइए देखते हैं। 21वें क्वेश्चन से 89, 78 बिल्कुल बकवास है, 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83। इसके अंदर जो है ध्यान देना है, मतलब दो तीन बातों पर, एक तो हायर टर्म का डिफरेंस अपन लेके देखते हैं, दूसरा कभी कभी दो अलग अलग सीक्वेंस मर्ज कर दी जाती है ना, छोटे नंबर बड़े नंबर कभी कभी मर्ज कर दिए जाते हैं। चलो देखें, 78 में दो जोड़ो तो 80, 80 में दो जोड़ो तो 82। अच्छा, और यहां ऐसा लग रहा है 86, 85 चीजें घट रही हो, तो 83 में दो जोड़ो तो 85, अगर 85 में मैं दो जोड़ता तो 87 आता, और 87 में दो जोड़ देता तो 89 आ जाता, यानी इस पूरे प्रपंच में ये गलत है। इनफैक्ट इसकी जगह आना चाहिए 87, क्या आना चाहिए वो नहीं बताना है, इसके अंदर आपको बताना है कि जो उसके सीक्वेंस के आगे मत देखो, जितने टर्म गिवन है केवल उनको देखना है कि ये जो टर्म का अरेंजमेंट है इनमें कौन सा टर्म गलत है। तो यहां पर हमको पता लगा 86 गलत है, तो यहां पर आएगा जो ऑप्शन टिक करना है वो है सी, इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। चलिए 22वें पर आ जाइए, अगर हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 22वें क्वेश्चन में टर्म गिवन है 1, 1, 3, 9, 6, 36, 10, 100। अच्छा लिखते लिखते भी फीलिंग आ रही है 16 और 225। आओ देखें 1, 1, 3, 9, 6, 36, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो अगला टर्म जो है वो पिछले टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो बेसिकली 16 का स्क्वायर 225 होता नहीं है, यहां इस जगह पर अगर 16 के बजाय 15 होता तो ये सीक्वेंस बैठ जाती, 1, 1 का स्क्वायर, 3, 3 का स्क्वायर, 6, 6 का स्क्वायर, 10, 10 का स्क्वायर, तो यहां 15 आना चाहिए। अच्छा 1, 3, 6, 10 को भी देखो, 1, 3, 6, 10, 1 में 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, तो 10 के बाद 5 जोड़कर 15 और उसके बाद वाला टर्म 15 स्क्वायर आना चाहिए।
तो जो ऑड मैन आउट है 16, तो यहां पर आंसर आ जाएगा बॉम्बे। 23 को ऑब्जर्व करें, देखो बहुत बार क्या होता है, ये लोग उल्टा अरेंज कर देते हैं। बहुत बार उल्टा अरेंज कर देने का मतलब है बड़े नंबर्स को मत देखा करो, हमेशा छोटे नंबर की ओर से देखो, क्योंकि छोटे नंबर का घटाना जोड़ना सोचना इजी पड़ता है। तो यहां 80, 84, 87, 136, 200 हम इधर से देख लेंगे। तो जो ऑड मैन आउट है तो ऑड मैन आउट ही है, जो सीरीज यूं डिक्रीजिंग दिखेगी तो इंक्रीजिंग दिख जाएगी, यूं अगर घट रहा होगा तो यूं बढ़ रहा होगा, पर छोटे नंबर्स में इमेजिन करना इजी रहता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो 23 में मैं क्या करता हूं, उसको उल्टा करके लिख लेता हूं, 80, 84 फिर 87 फिर 136 फिर 200 फिर 300 फिर 444, है ना। बड़े से छोटा सोचना मुश्किल होता है, अपने नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग को फॉलो करना है। ओके, 80 और 84, जब कुछ समझ में ना तो डिफरेंस ले लो। 80 से 84 का 4 का डिफरेंस है, 84 और 87, ये गलत लग रहा है मुझे, 84 और 87 में 3 का डिफरेंस है। अच्छा, इधर का डिफरेंस देखे, 136 और 200 में 64 का डिफरेंस है, 200 और 300 में 100 का डिफरेंस है, और 300 और 444 में 144 का डिफरेंस है। अब मैंने कहा था कि शुरू के 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर याद रखो, तो ऑब्जर्व करोगे, देखो ऑब्जर्व करो तेरी, ये यहां पर जो डिफरेंस है वो 12 स्क्वायर है, फिर यहां का डिफरेंस 10 स्क्वायर है, यहां का डिफरेंस 8 स्क्वायर है, और यहां का डिफरेंस 2 स्क्वायर है। तो अगर यहां का डिफरेंस 3 स्क्वायर हो जाए, नहीं 12 10 8 6 4, त्रुटिपूर्ण हरकत, तो यहां का डिफरेंस अगर 4 स्क्वायर हो जाए और यहां का डिफरेंस अगर 6 स्क्वायर हो जाए, तो मामला बिल्कुल सेट कि 2 स्क्वायर जोड़ा, फिर 4 स्क्वायर जोड़ा, फिर 6 स्क्वायर जोड़ा, फिर 8 स्क्वायर जोड़ा, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, यानी जो नंबर गड़बड़ आ गया है, 2 स्क्वायर जोड़ के 84 आ गया, अब 84 में 4 स्क्वायर जोड़कर ये नंबर आना चाहिए था, तो यानी यही नंबर गलत है, तो सही आंसर है 87। तो ये नंबर रॉन्गली फेड है। आगे आ जाए 23 के बाद 24 पर आ जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन देखें, 8, 15, 31, देखिए क्या लिखा हुआ, 8, 15, 31, 61, 123, 247, 491। ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, तो 8 से 15, देखो 8 के डबल के पास में है, ये 15 के डबल के पास में है, ये 31 के डबल के पास में है, ये 61 के डबल के पास में है। ऑब्जर्व करो कि नेक्स्ट नंबर किसके आसपास में है, तो उसके डबल के पास में जैसा आ रहा है, तो 8 का डबल के पास में, यानी यहां से यहां इंटू 2 माइनस 1, फिर यहां से यहां, तो 15 दूनी 30 इंटू 2 प्लस 1, फिर यहां से यहां 31 दूनी 62, अच्छा इंटू 2 माइनस 1, फिर यहां से यहां 61 इंटू 2, अरे वाह, इंटू 2 प्लस 1, फिर यहां से यहां, यानी ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो यहां से यहां अब आना चाहिए इंटू 2 माइनस 1 से, लेकिन ये गड़बड़ है ना, 123 इंटू 2 246 माइनस 1, यहां 245 आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर यहां 245 आता तो ये इंटू 2 प्लस 1 करके 245 का डबल 490 491, तो जो गड़बड़ है 247, तो ये आ गया आगरा, ये गड़बड़ है यहां पर, कॉपी कर लो। 25वां क्वेश्चन, आइए 25 क्वेश्चन, आइए इसको ऑब्जर्व करें। अगर 25th क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बहुत भयंकर ऑब्जर्वेशन है, 3, 6, 24, 30, 63, 72, 122, 132। पता लगाना है कौन सा इनमें से नंबर आउट ऑफ सीक्वेंस है, कौन सा ऑड मैन आउट है, 3, 6, 24, 30, 63, 72, 122, 132। 3, 6, 24, 30, 63,
अच्छा थ्री को देखो, टू स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, और ये सिक्स जो है ये थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, ऑब्जर्व करो, फिर टू थ्री, ये चीज फिर से फाइव स्क्वायर माइनस वन। अच्छा उसके बाद देखो ये चीज फिर से जो निकल के आ रही है 63, ये एट स्क्वायर माइनस वन। ध्यान से देखते आइए, यहां पर टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, और ये चीज सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स है, फिर एट स्क्वायर माइनस वन यहां पर आ रहा है, और यहां पर इसको देखें तो नाइन नाइन नौ, ये नाइन स्क्वायर माइनस नाइन, नाइन नाइन इज 81, 81 माइनस नाइन, यानी ऐसा आ रहा है टू स्क्वायर माइनस वन थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, फिर फोर को छोड़ दिया, फाइव स्क्वायर माइनस वन सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, फिर सेवन को छोड़ दिया, तो एट स्क्वायर माइनस वन नाइन स्क्वायर माइनस नाइन, तो टेन को छोड़ेंगे तो ये होना चाहिए इलेवन स्क्वायर माइनस वन और ट्वेल्व स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। देखो ट्वेल्व स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बिल्कुल बैलेंस है, बारह स्क्वायर कितना आएगा 144, तो 144 में से अगर आप 12 घटा देते हैं तो 132 आ जाता है, लेकिन ये 11 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर नहीं है, और ये चीज चूंकि 11 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर नहीं है तो यही है ऑड मैन आउट, क्योंकि ये सीक्वेंस को ब्रेक कर रहे हैं। तो भाई साहब कैलकटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ आइए अगला क्वेश्चन करें हम लोग, तो यहां तक पहुंच गया ये 26-37 आंध्र प्रदेश, जबरदस्त जगह है, कभी आप घूमने गए हो। ओके अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, आइए डिस्कस करें। तो हम लोग 25 तक पहुंच चुके हैं, तो 26, 27, 28, 29, 30 30 तक पहुंच रहे हैं। आइए 26वें क्वेश्चन से देखें, 26वें क्वेश्चन को देखो, अगर 26 क्वेश्चन को देखो तो 2, 7, 17, 32 इसके अंदर तो मिसिंग बताना है, डॉटेड लाइन है मिसिंग बताना है, पिछले वाले क्वेश्चन में ऑड मैन आउट बताना था, तो 2, 7, 17, 2, 7, 17, 32 कुछ समझ में आया डिफरेंस लेके देखो, 5, 10, 15 अरे वाह, यहां तो डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, यहां तो डिफरेंस एपी बना रहा है, तो 5, 10, 15 इसके बाद 20 जोड़ देंगे तो 32 और 20 कितना आ जाएगा 3, 4, 5, 52 क्या कहीं 52 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 52, टिक कर दिए 52 को। आइए 52 के टिक करने के तत्पश्चात 27वां क्वेश्चन, 27वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 72, 63, 54, 45 मिसिंग नंबर्स का डिफरेंस हमेशा लेना चाहिए, 63 में तो 72 गए तो 8, 63 और 72 नंबर डिक्रीज कर रहे हैं 6, यहां पर 63 और कितना आएगा भाई 72 तो 12, 3 तुम्हारे पास कितना निकल के आ रहा है 63 से, यहां पर 7, 8, 9 तो माइनस 9 अच्छा नेगेटिव है, और यहां पर 63 में से 54 में से कितना तो 6, 7, 8, 9 माइनस 9, फिर 45 अरे 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 ये तो डायरेक्ट एपी ही दे रखी है, इजी पेपर बनाया था, तो माइनस नाइन करते हो तो 45 में से भी 9 घटा दोगे तो माइनस 9 अगर घटा देते हैं तो 45 में से भी 9 घटा देंगे तो 5, 40, 36, 36 यस 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 टिक करिए 36। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर 28वां क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, 3, 8, 18 मिसिंग 78। बहुत बार अपन ये हरकत कर चुके हैं (2+1, 2-1) तो यहां पर भी उसको देखें, 3 × 2 = 6 यहां पर आ रहा है (2+2) 8 × 2 = 16 (2+2) तो ये भी आना चाहिए (2+2) 18 = 36 (38 और देखो बैलेंस भी हो रहा है ये, क्योंकि 38 × 2 अगर कर देंगे 76 + 2 = 78 तो 38 शुड बी द मिसिंग, आगरा आंसर आ चुका है, टिक कर दें आगरा। आइए 29 क्वेश्चन को देखें, 29
29 क्वेश्चन की अगर बात थोड़ा ऊपर सरका सकते हैं, जगह की कमी है। 29 क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो 29 क्वेश्चन में 3, 7, 14, 24 हमेशा घटा के देखें, 7 में 3 गए 4 और 14 में 7 गए 7 और 24 में से 10। अरे वाह, यहां पर देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एपी बन रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जोड़ेंगे 13, तो 24 में अगर 13 जोड़ देंगे तो 4, 5, 6, 7, 2 और 1, 3, 37। अरे ऑप्शन भी मैच कर रहा है और सीक्वेंस भी बैठ रही है 37। तीसवें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमको सीक्वेंस दे रखी है 12, 15, 19, 24 मिसिंग। आइए घटा के देखें, 15 में से 12 गए 3 और 19 से 15 गए 4। पारे तो सिंपल एपी बन रही है, 3 जोड़ दिया 4 जोड़ दिया 5 जोड़ दिया तो 6 जोड़ेंगे और 30 आ जाएगा और कलकत्ता। जी हां कलकत्ता। आइए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखें। हां तो आइए यस दिल्ली में देखिए बहुत सवाल आते हैं इस पर बेस्ड, बहुत सवाल आते हैं। चलिए बात करते हैं तो 30 तक हम लोग पहुंच चुके हैं तो 31 थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं तो ये थोड़ा लिखने में आसानी हो जाए। यस नहीं आपका क्वेश्चन उतना ही बड़ा रहेगा। 31, 32, 33, 34 और 35। आइए शुरुआत करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। एक तो दिल्ली 2012-13 में और एक नेशनल लेवल का क्वेश्चन भी 2012-13 में आया हुआ है। नेशनल लेवल का मतलब बेसिकली हो गया स्टेज टू। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है ना, क्योंकि जो स्टेज वन होता है वो स्टेट लेवल पर होता है और जो स्टेज टू होता है वो नेशनल लेवल पर होता है। तो जिस क्वेश्चन के बगल में नेशनल लेवल दिख जाए तो थोड़ा रेज लेवल का है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बात करते हैं 31 हम लोग सब क्वेश्चन कर सकते हैं। 50, 55, 60, 61, 68 जब भी कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस जरूर देखना चाहिए। इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ दो, दिख रहा है डिफरेंस 5, 6, 7 आ रहा है। ये सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो आज हम सीख रहे हैं। क्या टर्म्स का डिफरेंस देखो और उसके अलावा तरह तरह के पैतरे तो खैर आ ही रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट आएगा इसमें 8 जोड़ दो तो 8, 8, 16, 76 तो डी दिल्ली टिक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32, 32वें क्वेश्चन की बात करें। 144, 121 इट्स परफेक्ट स्क्वायर। देखो अगर स्क्वायर याद होंगे ना तो आपको खटाखट दिखेगा और नहीं याद होंगे तो नहीं दिखेगा, अगला क्वेश्चन दिखेगा फिर। 181 ये बेसिकली देखो 12 स्क्वायर 11 स्क्वायर 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर तो 12, 11, 10, 9 तो ये 8 स्क्वायर होगा और क्या। तो 64 टिक करिए, टिक करिए, टिक करिए, टिक करिए 64। आइए बात करते हैं 33 की। अरे भाई साहब 33 2197 ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। ये 2197 आप ऑब्जर्व करेंगे 2197 2744 3375 4096 थोड़ा ज्यादा ही ऑब्जर्वेशन इसमें लग रहा है, थोड़ा ज्यादा ही। तो यहां पर 16 ये बेसिकली 13 का क्यूब लिखा हुआ है, ये आपको ये ऑब्जर्व होगा नहीं अंटिल अनलेस आप 13 का क्यूब याद हो। क्यूब रू क्यूब्स निकालने की और स्क्वायर निकालने की
शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी इस चैनल पर है, कैलकुलेशन ट्रिक्स के नाम से पूरा एक जो है बना हुआ है, उसके अंदर प्लेलिस्ट, उसको जरूर देखें। और क्यूब रूट निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की भी ट्रिक्स उसके अंदर है, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। खैर, ये 13 क्यूब है, ये 14 क्यूब है, ये 15 क्यूब है और ये 16 क्यूब है। तो अगला नंबर क्लियरली 17 क्यूब होना चाहिए। 7 7 49 7 63। तो आंसर है कैलकटा इज द करेक्ट आंसर इसके अंदर। ये थोड़ी डिफिकल्ट सीक्वेंस होगी, लेकिन अगर क्यूब्स फास्ट निकालना आता हो तो आप फायदे में रहेंगे। आइए 34 क्वेश्चन को यहीं पर देखें। 34 5 6 10 19 35। ओके, मिसिंग टर्म, ये मिसिंग टर्म। तो 5 6 कुछ नहीं समझा, डिफरेंस लो यहां पर, डिफरेंस 1 का 4 का 9 का और 16 का। और उत्तरी, पहला डिफरेंस 1 स्क्वायर है, दूसरा डिफरेंस 2 स्क्वायर है, तीसरा डिफरेंस 3 स्क्वायर है, चौथा डिफरेंस 4 स्क्वायर है। डिफरेंस ऑफ सीरीज भर भर के आती है, तो नेक्स्ट ये वाला डिफरेंस आपके पास 5 स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये डिफरेंस 5 स्क्वायर आ जाएगा तो 35 में 25 आप जोड़ेंगे, 5 5 10, 3 4 5 6, तो आंसर 60। अरे बिल्कुल सही, टिक करिए टिक करिए टिक करिए, 60। आइए नेक्स्ट 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 35वां क्वेश्चन। भाई साहब गलत, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 0 2 24 252। अलग ही लेवल है, 0 2 24 252। थोड़ी देर खेलना पड़ेगा, थोड़ी देर प्ले करना पड़ेगा, तो ऑब्जर्व होगा कि ये लिखा है 1 की पावर 1 माइनस 1, ये लिखा है 2 की पावर 2 माइनस 2, ये लिखा है 3 का क्यूब माइनस 3, देखिए यहां तक देख सकते हैं, और ये लिखा है 4 की पावर 4 माइनस 4। 4 की पावर 4, 16 का स्क्वायर, 256 माइनस 4 252। तो भाई जब अगला टर्म गुरु जी 5 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5, अपन कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 माइनस 5, 5 5 25 25 इंटू 25 625। बल्कि दोनों में से 5 को कॉमन ले लें तो 625 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 624 हो जाएगा। 5 4 20, 5 2 10 + 2 12, 6 5 3 31, 3 1 2 0 कैलकटा। टिक करने में देरी ना करें, टिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 30 फुट, चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लें ताकि लिखने में आसानी हो, और कुछ नहीं, आपके क्वेश्चन बड़े ही रहेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। चलिए, हाँ तो हम 35, तो 36, 37, 38, 39, 40। आई इन क्वेश्चंस को करते हैं, आई इन क्वेश्चंस को करते हैं एक एक करके, बिल्कुल ध्यान देखें कैसे करेंगे। 36, आइए शुरुआत करते हैं। 36 की अगर हम बात करते हैं तो आइए डिफरेंस ले, चीजों का सबसे आसान रहता है, सबसे पहले डिफरेंस ही सोचना चाहिए, सबसे पहला थॉट वही आना चाहिए। तो 4 6 9, फिर 13 7 20 18, फिर 31 और 9 40 18 27। अरे तेरी, इनके जो डिफरेंस है वो आ रहा है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 4 जा 36। तो नेक्स्ट टर्म आएगा 58 36 14, 5 6 7 8 9 94। हो, टिक करें, बहुत सही। आइए अगला देखें। 37 की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट 37।
कुछ और समझ में नहीं आ रहा, 90, 81, 74, 69 मिसिंग। 90 तो घटा हुआ क्रम है, 90 में से 9 घटाए, फिर 81, 74 तो 7 घटाए, -9, -7, फिर 74 और 69 -5। अच्छा, तो पहले 9 घटा, फिर 7 घटा, फिर 5 घटा, तो भैया 3 घटेगा तो आंसर कितना आएगा? 66 दिख रहा है क्या? ओ टिक करिए, टिक करिए, 66। आइए आगे देखें, 38, 785 बड़ा खतरनाक है, 664, 543, 422। और अगला टर्म पूछा गया है, और जरा समझ में नहीं आ रहा हो घटा के देखते हैं। लटसी, 785 में 660, 5 में 4 गए 1, 8 में 6 गए 2, 121 घटाने पर आ रहा है, तो 4 में 3 गए 1, 6 में 4 गए 2, अरे वाह 110, यहां पर भी लगता है 3 में 2 गए 1, 4 में 2 गए 2, अरे वाह -120, तो खुद एपी है ये, तो खुद एपी दिख रही है, तो यहां से भी -121 घटा दीजिए, 2 में से 1 गए 1, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गए 300, टिक करिए, टिक करिए, टिक करिए, 301। 39 पर आ जाइए, 39 की अगर हम बात करते हैं, 39, 18, जैसा कि मैंने बताया है सीरीज को उल्टा करके लिख लिया करो, उससे इजीनेस रहती है, छोटा नंबर सोचना और उसका मनी मन मैनिपुलेशन करना इजी रहता है। तो हम यहां करेंगे 3, 15, 75, missing, 1875। यार ये तो 3 5s are 15, 15 5s are 75 आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर पक्का 75 × 5 आना चाहिए, ये तो खुद जीपी है, 3 को 5 से फिर 5 से फिर 5 से, 5 5s are 25, 7 5s are 35, 37, और चेक भी कर सकते हैं 375 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 5 25 7 5s are 35, 15 18, yes, 18, 18, तुम्हारा आंसर होगा 375 दिख रहा है, ओह यस, टिक करिए भाई साहब, वेट किसका कर रहे हैं। चलिए 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 39, 40, 40वां क्वेश्चन, छोटे नंबर पहले लिखे हुए, 36, 24, 192 और मिसिंग। चलो अच्छा यार, 36 ये तो सब मल्टीपल लग रहा है, 3 2 6, 6 4 24, 24 और 192, मतलब 24 और 192 अगर अपन डिवाइड कर दें तो 3 का डबल और 6 × 4 तो 24 by 3, तो 3 इसको × 2 करने से आ रहा है, इसको × 4 करने से आ रहा है, या तो इसको × 8 करने से, देखें 24 × 8, 8 4 32, 8 2 16, अरे रे 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 भैया × 8, तो × 2 4 8, अब 2 4 2 का 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो यहां पर नंबर बड़ा भी दिख रहा है, बड़ा भी दिख रहा है, तो 2 की पावर 4 × 16 करना पड़ेगा इसको, तो 192 को × 16 कर लेंगे बच्चों की तरह, 6 2 12 9 5 9 6 54 55 6 6 और 6 5 11, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 192, तो 2 5 6 7 9 1 10 3 0 7 2, यस, टिक करिए, वेट मत करिए, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन हो गया, कॉपी कर लीजिए, हाँ हाँ ये और करें। तो यहां पर 40 तक पहुंच चुके हैं हम, यस, स्क्रीन छोटी कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, और क्या क्वेश्चंस आपको पूरे भरपूर बड़े ही दिखाई पड़ेंगे। हाँ ये 40 तक हम लोग जब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो 41, 42, 43, 44, 45, आइए करते हैं, लेट अस सी। 41 से हम लोग शुरुआत करते हैं, 41 को अगर हम देखें
तो 65, 48, 64, 49, 63, अरे रे यहां तो अल्टरनेटिंग सीरीज की खुशबू आ रही है, हल्का सा अल्टरनेटिंग सीरीज को देखें देखें। 65 में एक कम, एक कम, एक कम, 48 में एक ज्यादा, एक ज्यादा, तो अल्टरनेटिंग सीरीज बैठ रही है, तो मिसिंग टर्म 50 होगा। वेट मत करिए, टिक करिए। नेक्स्ट आइए 42 की बात करें। 42 के अंदर 7, 23 मिसिंग, 79, 119। अच्छा 7, 23, ये तो 25 से दो कम है और ये 9 से दो कम है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर से हल्का हल्का कम है। आप ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, ये बेसिकली 3² - 2 है, इसको देखो ये 5² - 2 है, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 = 81, अरे 9² - 2 है, 9, 10, 11, अरे रे 11² - 2 है, तो ये क्लियरली आना चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 7² - 2, 7 × 49, 47, टिक करिए, टिक करिए, बिल्कुल वेट मत करिए, तुरंत टिक करिए, अगला क्वेश्चन करना होगा, समय की बहुत कमी है, 120 मिनट में 100 सवाल लगाने हैं। 43 पर आ जाइए, 16, 8, 12 मिसिंग, 105, इसमें तो पहले डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा है, हल्का सा जीपी टाइप्स कुछ नजर आ रहा है मुझको, मतलब जीपी दिख रहा है। 16 से 8 कैसे मिलेगा, अगर 16 को 2 से डिवाइड कर दें तो यानी मल्टीप्लाई किससे करें, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए, तो 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12/8 से, तो 12 आ जाएगा, 12/8 यानी कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 3/2, ओके 1/2, 3/2, अरे 5 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, यानी इसको हाफ से मल्टीप्लाई करने पर ही आता है इसको 3/2 से, तो अगर हम ऐसे गेस करें कि इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 7/2 से, अब देखें गैस बैठता है कि नहीं बैठता, 12 × 5/2 तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा, 30 × 7/2 15 × 7, 15 × 7 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 8, बैठ गया, तो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, आगे की सीरीज भी कंटिन्यू हो रही है, 30 टिक कर दे आंसर दिख, अरे सही है उसमें। चलिए इसके बाद 44 पर आ जाइए, आइए 44 की बात करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन 748, 737, 716, 685, भाई साहब 644 गजब ही ढा दिया है, और तो इतने बड़े बड़े भयानक किस्म के नंबर हैं, डिफरेंस देखते हैं 48 और 37, तो 37 और 3 40 आ 11, यहां पर -11 होगा, फिर यहां पर 737 16, तो 737 16 गए, 7 में 6 = 1 -21, फिर 6 में से 5 = 1 और 68 69 77 10 -31, फिर 5 में 4 = 1 माइनस, अरे वाह -11 -21 -31 -41 तो -51, तो 644 में से बात बन रही है 51 घटा दीजिए, 4 में से 1 = 3 और 14 में 5 = 9, 593 दिख रहा है क्या? यस बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, ओहो रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, आपने देखा ही नहीं देखा, अब पिछले बोर्ड पे नेशनल में आया था, डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हैं, नहीं उसके पिछले बोर्ड में, ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट आते हैं, यही चीज नेशनल लेवल 2012-13 में आई थी, और चूंकि स्टेट लेवल वाले नेशनल लेवल का पेपर देखते हैं थोड़ा बहुत, तो इन्होंने जो है थोड़ी सी मतलब
कुछ कहना नहीं चाहता मैं, तो 2014-15 तो देखो, 0-2 पता नहीं आपको याद है कि नहीं, दो बोर्ड पहले ही आया था 0, फिर भी एक बार बता देता हूं, 0-2, 24 और 252 अपन ने कैलकुलेशन भी की थी, ये चीज 1 की पावर 1 माइनस 1, ये चीज 2 स्क्वायर माइनस 2, ये चीज 3 क्यूब माइनस 3, ये चीज 4 की पावर 4 माइनस 4, तो नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है वो 5 की पावर 5 माइनस 5, 3120 मुझे याद आ रहा है, कैलकुलेशन की थी अपन ने। आइए फिर भी एक बार, बोर्ड को देखने में कोई बुराई नहीं है, 3120 सही, सही है, सही है बिल्कुल। चलिए तो आंसर टिक कर दिए, ऐसा मत समझे कि हमेशा रिपीट होता है, कभी कभी होता है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करने जा रहे थे, तो ये हो गया 50, 46 फुट। देखिए 50 तक पहुंच गए हैं अपन लोग, ये मामला सेट है। क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लें, 50 क्वेश्चंस। यहां पर हमारे पास आ गए 46, 47, 48, 49 और 50। चलिए एक एक क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं, देखिए बनते कि नहीं बनते। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 46 क्वेश्चन की। यार 2, 10, 30 बड़ा अजीबोगरीब सीरीज है, 2, 10, 30, 68 और 130। जो हमारे पास सीरीज निकल के आ गई 2, 10, 30, 68 और 130, और लास्ट में एक मिसिंग टर्म है। चलो देखें कैसे कर सकते हैं। 2, 10, 30, 68, 10, 30, 68, ये चीज क्या 1 क्यूब प्लस 1 है, क्या ये चीज 2 क्यूब प्लस 2 है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्यूब को लेकर, और ये चीज 3 क्यूब प्लस 3 और 4 क्यूब प्लस 4 और ये चीज 5 क्यूब प्लस 5 दिख रहा है, 125 प्लस, बिल्कुल। तो ये चीज क्लियरली 6 क्यूब प्लस 6 होगी, 6 क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब 6, 6 36 और 6, 6 36 और 18, 216 प्लस 6, 2 और 6 12, तो 2, 2, वाह 2, 2, 2, तो हमारा सही बिल्कुल आंसर आ चुका है। और कैलकटा आइए 47 सीरीज को देखें। 47 सीरीज को अगर देखें, यहां पर 6, 2, 12, 6, 2, 12, 6, 20, 12, 30, 20 और 2 मिसिंग टर्म यहां पर है। आइए येलो रंग से इसको अलग कर देते हैं, दो अलग अलग मिसिंग टर्म है यहां पर। अरे दो मिसिंग टर्म से ऐसा इशारा सा लग रहा है जिसे ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो, 6, 2, 12, 6, 20, 12, 20, चलो ऑल्टरनेटिंग टर्म देखें, 6, 12, 20, 30 और ये वाला टर्म, तो 6, 12, 20, अरे आ रहा है, 6 में 6 जोड़ें, उसके बाद 8 जोड़ें, 10 जोड़ें, तो प्रिय का ये वाला टर्म आएगा 12 जोड़कर आएगा, तो ये टर्म आएगा 30 प्लस 12, 42। अच्छा हमको दूसरा टर्म देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 42 यूनिक आ रहा है, लेकिन फिर भी दूसरा भी देख लेते हैं। अगर इस सीरीज को, सेकंड वाली सीरीज को अगर अपन ऑब्जर्व करें, 2, 6, 12 और नेक्स्ट टर्म, तो 4 जोड़ें 6 जोड़ें, तो 8 जोड़ेंगे, तो 12, 8, 12 और 20, 8 जोड़ने पर ही, तो मिस हो गया हमारा, पूरा ही मिस हो गया, 20 तो ऑलरेडी दे रखा है, 2 में 4 जोड़ के 6 जोड़ के और 8 जोड़ के, तो अब की बार यहां से ये कैसे मिलेगा 10 जोड़ के, तो ये वाला टर्म आएगा 30। बिल्कुल टिक कर दें, टाइम ना वेस्ट करें, तुरंत टिक करें, कॉपी करिए। हाँ तो हो गया क्वेश्चन। आइए तो 47 में अल्टरनेटिंग सीरीज है, आइए 48 को देखें। 48 के अंदर अगर अपन बात करते हैं, तो 48 के अंदर
आइए देखें इन क्वेश्चंस को ध्यान से। यस यस 48 के अंदर वापिस लंबी चौड़ी सीरीज और दो दो क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन मार्क दोबारा से इशारा कर रहे हैं कहीं फिर से ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं। तो आइए बात करते हैं 5, 34, 10, 51, 17, 68, 26 डैश डैश। तो 5, 10, 17, 26 डैश, तो 5 + 6 + 7 और 7, 8, 9, 10, तो 26 में 17 गए, तो 5 और प्लस 5 गड़बड़ 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 बैलेंस +5 + 7 + 9 तो 5, 7, 9 तो +11 तो 26 में 11 जोड़ोगे तो 37 आ जाएगा। क्या 37 कहीं दिख रहा है? आंसर से कैलकुलेटर टिक कर सकते हो, लेकिन आइए दूसरे वाले को मैच करवा लेते हैं। 34, 51, 68 दिस 34 में क्या जोड़ू, 51 आ जाए, 34 और 6 40 हो गया तो 17। फिर 51 और 68 की बात करें तो 8 में से 1 गए, अरे वापस 17, इसमें तो लगातार 17 17 ही जुड़ रहा है, तो 68 में भी 17 जोड़ दें, तो 68 में अगर 17 जोड़ देते हैं 7, 14, 15, 6, 85 बिल्कुल क्लियर कट, कैलकटा को टिक किया जाए। आइए नेक्स्ट आते हैं 49, नेशनल लेवल का है, समझ गए होगे स्टेज टू का है, नेशनल लेवल का मतलब इट इज ऑफ स्टेज टू, स्टेज टू ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। 2, 17, 52, 206 2, 17, 52, 206 2, 17, 52 और बीच में एक नंबर मिसिंग है, थोड़ा ज्यादा ही सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचेंगे 2 को लिख सकते हैं 1³ + 1 का स्क्वायर। इसको देखो बैठता है कि नहीं, 2³ + 3 का स्क्वायर, देखो 1² 3² इसको सोचो 3³ + 5 का स्क्वायर, 3 × 27 27 25 52 बैठ रहा है। अच्छा 1² 3² 5² 7² तो यहां पर 9² आएगा और 1³ 2³ 3³ 4³ ये 5³ आएगा, देखो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, 5³ आ जाएगा 125 और 9² 81 5 और 1 6 8 9 10 बिल्कुल बैठ रहा है, तो यहां पर आएगा 4³ + 1 3 5 7² 4³ कितना हो गया 4 4 16 64 और 7 49 बैलेंस हो रहा 9 10 13 6 4 10 113। सी बैठ रहा है, थोड़ा हार्ड थिंकिंग लेनी पड़ेगी, थोड़ा भाई नेशनल लेवल है इसीलिए लास्ट के 1000 क्रीम बच्चे निकल गया। आइए आखिरी क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 50th क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आइए 50th क्वेश्चन में थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं 3, 6, 24 लंबी सीरीज है और दो टर्म मिसिंग है 3, 6, 24, 30, 63, 72 दो टर्म मिसिंग और 195 और 210। हाँ तो 3, 6, 24 इस प्रकार की सीरीज, दो सीरीज आइए देखें 3, 24, 63 अरे रे 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 ये तो ऐसा लग नहीं लग रहा जिसे 24, 25 से एक कम, 4 से एक कम। इस चीज को देखें, ये लिखा हुआ है 2² - 1 और इसको देखें 5² - 1 इसको देखें 8² - 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9 10
तो ये टर्म आएगा 11 स्क्वायर माइनस 1, 121 माइनस 1 120, बॉम्बे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आइए दूसरे का भी लॉजिक देखें, दूसरे का भी लॉजिक देखना पड़ेगा, रंग बदल लेते हैं। 6 30 6 30 72 210, 6 को अगर हम देखें, 30 को अगर हम देखें, तो आइए देखें इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। 6 को 30 को स्क्वायर में ही सोचते हैं, क्योंकि यहां भी स्क्वायर में सोचा है, तो 6 की अगर बात करते हैं, वैसे तो आंसर बॉम्बे आ चुका है, लेकिन 6 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2, और 30 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5। देखो 4 5 6 सही है, 25 5 30, और इस चीज को लिख सकते हैं भाई 72, 8 स्क्वायर 64 प्लस 8। तो सीरीज बड़ी अच्छी है, 2 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर प्लस 2, 5 स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर प्लस 5, 8 स्क्वायर माइनस 1 8 स्क्वायर प्लस 8, और 11 स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 11, यानी 121 और 11 132। दूसरा भी मैच कर रहा, टिक करने में देर ना करें, बॉम्बे।